हरियाणा और पंजाब दो राज्यों की राजधानी है चंडीगढ़, जहां की सांसद हैं बॉलीवुड की अभिनेत्री और भाजपा की मुखर महिला नेता किरण खेर। खेर अपने बयानों की वजह से अक्सर चर्चा में रहती हैं। बतौर सांसद खेर का ये कार्यकाल भी ठीक ठाक रहा है और अभी तक लोकसभा में उनकी उपस्थिति भी करीब 86% रही। बावजूद इसके राजनीतिक हलकों में एक चर्चा है कि 2019 लोकसभा के चुनाव में किरण खेर का टिकट कट सकता है। इसका बड़ा कारण चंडीगढ़ भाजपा में चल रही गुटबाजी है। खबरों के मुताबिक पार्टी में कई गुट बन चुके हैं, जिनमें एक गुट चंडीगढ़ भाजपा के अध्यक्ष संजय टंडन का है, तो वहीं किरण खेर का भी अपना खेमा है। ऐसे में पार्टी इस गुटबाजी से बचने के लिए चंडीगढ़ जैसी प्रतिष्ठित और अति महत्वपूर्ण सीट के लिए किसी नए चेहरे पर भरोसा जता सकती है। भाजपा का संपर्क अभियान भी इसकी गवाही देता है। भाजपा अध्यक्ष अमित शाह संपर्क अभियान के तहत पूर्व क्रिकेट खिलाड़ी कपिल देव, एथलेटिक्स में भारत का परचम लहराने वाले धावक मिल्खा सिंह और 3 बार के ओलंपिक गोल्ड मेडल विजेता बलबीर सिंह सीनियर से मुलाकात कर चुके हैं। कहा जा रहा है कि भाजपा 2019 के आम चुनाव में इनमें से किसी एक पर अपना दांव लगा सकती है और उन्हें अपना प्रत्याशी बना सकती है। राजनीतिक पंडितों का सबसे बड़ा दांव कपिल देव पर है। हालांकि किरण खेर का कहना है कि कपिल उनके बहुत अच्छे दोस्त हैं, लिहाजा उनका नाम जानबूझकर उछाला जा रहा है। ज्यादातर वक्त मुंबई में गुजारने वाली खेर कहे कुछ भी, मगर उन्हें डर तो है और डर है टिकट कटने का, जिसने किरण को अब बाध्य किया है कि वो मुंबई की बजाय अपना ज्यादातर वक्त चंडीगढ़ में बिताएं, और किरण आजकल यही कर रही हैं। हालांकि टिकट काटने की नौबत देख अब वो खुद कहना शुरू कर दी है कि वो इस बार टिकट की दावेदार नहीं। हालांकि किरण ये बताना भूल गई कि उनका समर्थन किस कैंडिडेट को है। NTI पॉकेट टीवी के लिए अयोध्या सिंह की रिपोर्ट। हमारे इस वीडियो को लाइक करना और सब्सक्राइब करना ना भूलें।